कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या पैक करना है यूनिवर्सिटी के लिए, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैंने जो है ना अपना सब कुछ पैक किया है, लेकिन इसमें जो भी कोई विंटर का नहीं है सामान, क्योंकि मेरा विंटर का, मैं पिछली बार सारा विंटर का ही लेके गया था, सारी जैकेट्स वगैरह सब कुछ, मतलब मेरे पास पहले से अवेलेबल है। और मुझे और जो विंटर का लेना है वहीं से लूँगा, क्योंकि विंटर का मिल जाता है अच्छा खासा वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर क्या जो है मिलता है, लेकिन वो महंगा मिलता है या फिर जो आपको ज़रूरी है आपके कंफर्ट के हिसाब से। जैसे कि शूज़ वहाँ मिल जाते हैं, नाइकी वगैरह बड़ी एनी जाने में मुश्किल होती है, ताजकंद में मिल जाते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होता है। मतलब जो शूज़ यहाँ आपको 15-16 हज़ार का मिलेगा, वो वहाँ 20-22 हज़ार रुपये का मिलेगा। तो ईजी है कि आप अगर नाइकी यूज़र या स्केचर यूज़र है तो इंडिया से ही लेकर जाएँ अपने शूज़, वो भी आप स्पोर्ट्स शूज़, और जो लेदर वगैरह है, लेदर वगैरह सब मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे काफ़ी अच्छे शूज़ मिल जाते हैं लेदर के अंदर। मतलब सिर्फ दिक्कत आपको स्पोर्ट्स शूज़ में ही होंगी, अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ में, वो भी आप कोई अलग ब्रांड के यूज़र हैं, जैसे कि नाइकी स्केचर मिलते हैं, लेकिन ताशकंद जाना पड़ता है और थोड़ा कॉस्टली हो जाता है यहाँ इंडिया के हिसाब से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या ज़रूरी है। इसमें विंटर नहीं है, विंटर में सिर्फ आप क्या ऐड करेंगे, एक तो विंटर के गर्म कपड़े ऐड कर लीजिएगा, दूसरा आप जैकेट, और इसके अलावा सब कुछ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आए स्पोर्ट्स वियर में, स्पोर्ट्स में इधर लोअर्स हैं और आपके टी शर्ट हो गई, और इधर आ गए आप, ये मेरी अभी टेलर की दुकान पर गई हैं, फॉर्मल जितने भी कपड़े हैं वो आएंगे, आप ले लीजिएगा क्योंकि कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है। ये आपकी जीन्स हो गई, इधर ट्राउज़र जीन्स ब्लैक ब्लू, और ये फ्राइडे के लिए जैसे नमाज़ वगैरह के लिए जाते हैं तो जुम्मे के दिन आप जो है कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। ये वाइट हो गया, ये थोड़ा अलग कलर, ये अलग, ये इनके ऊपर हो गई है नेहरू जवार कट, ये आप जीन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये दूसरा आप आ गए आप शर्ट्स पे, ये मेरी शर्ट रखी हुई है इधर, ये टी शर्ट हो गई। ठीक है, ये बेल्ट और ये परफ्यूम, फोग ज़्यादा अच्छा है, वहाँ फोग मिलता है लेकिन यार वो मज़ा नहीं आता जो हमारे इंडिया के फोग में है, तो मैंने लिए हैं, मैंने काफ़ी दिन से लिए थे पूरे पैकेट, तो वो भी डिब्बे भी खाली हो गए, दोबारा लेने पड़ेंगे और बाय करने। और ये मेरे इतर जो कि मुझे गिफ्ट भी करे हैं फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स ने, दुबई से, अच्छा है, काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैंने ये कम यूज़ किया, सिर्फ फोग यूज़ किया है। ये मैंने क्लीन एंड क्लियर ले लिया फेस वॉश। ठीक है, ये जिम का बैग ले लिया, जिसे जिम जाना जाते हैं, जो भी स्टूडेंट जिम जाएंगे वो अपने जिम के लिए ले सकते हैं। और ये सारे इधर अब आइए, इधर मेडिसिन है, जैसे कि पैरासीटामोल है और पेंटोप वगैरह है, ये थोड़े जो मुझे दोस्तों ने कहा कि ये ले आना, तो मैंने वो भी रखी हुई है। ज़्यादा मेडिसिन नहीं ली है लेकिन फिर भी कोशिश की जितनी ले जाऊँ। ये थोड़े से ऐसे ही लोशन वगैरह टाइप, ये मेरे जो है फॉर्मल के लिए हो गए, ये बैन फास्ट ट्रैक, मतलब ठीक है गाइस। इसकी बात कर रहे थे हम ट्यूब की, ये ट्यूब की एयरबड्स से काफ़ी अच्छी है पहले, लेकिन जब मैंने इसको ऑर्डर किया और देखा ना, मुझे बहुत ही गंदी लगी, इतना बड़ा इसका पैकेट डब्बा था, 1-1.5 महीना हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं कम, मेरे छोटा भाई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेकिन ये अच्छा है जिम वगैरह जाते वक्त, काफ़ी अच्छा है, छोटी सी अच्छा कम्फर्ट है। दूसरा मेरा आईफोन का ही, लेकिन यार मेरा दूसरा वाला जो मैंने उज़्बेकिस्तान से खरीदा वो किसी ने चोरी कर लिया, प्लीज़ वापस कर दो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो, प्लीज़ यार। ये चश्मे वगैरह हो गए, ठीक है, जो भी चाहे अपने पसंद से। और ये इधर वॉचेस भी आ गई हैं यार, मेरी वॉचेस आ गई हैं, तो ये मेरी सिटीजन हो गई, ये मेरी गैस और इतनी पहनी है, और मेरी अभी पता नहीं किधर पड़ी है, उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा टैब आ गया, ठीक है, और इधर आ गए आपके लैपटॉप भी आ गए, और सब सामान आप देख सकते हैं सामने पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं भी कबट से निकाल लेता हूँ अपने सूट जो कि ज़रूरत पड़ती है कॉलेज में, जैसे कि ये है आपका पार्टी वियर, मैं इधर डाल देता हूँ यार। ठीक है, ये मतलब मैंने रखा है, लेकिन यार ये ना इतनी मैंने इसकी ड्रैगिंग वगैरह करा ली और इसको जो है पैकिंग बड़ी गंदी तरीके से किया हुआ था। ये मैं निकालता हूँ कबट से सारे अपने सूट जो कि मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है, तो ये मैंने अभी 4 सूट रखे हैं, और 3 से 4 सूट मेरे अभी कॉलेज में हॉस्टल में भी हैं। एक ब्लू मैंने रख लिया है, एक थोड़ा लाइट कलर भी लिया है, और ये कोई पार्टी अच्छी सी हो उसके लिए, और ब्लैक तो वैसे भी मेरा फेवरेट है और आपका भी होगा तो। ठीक है, ये सूट हो गए,
जिसे भी मतलब पार्टी वगैरह के लिए इजी होता है। यार फैट ज़्यादा बढ़ चुका है, घर पे रह के बहुत खाया है इधर, अब थोड़ा जिम वहाँ जाकर थोड़ा करेंगे यार वेट भी लूज। जैसे आपने देखा सारा सामान और सब चीज़, आपको इससे आइडिया हो गया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए इसमें सिर्फ विंटर का रहता है, विंटर में आप इसमें थोड़ा जो मेरे कपड़े हैं ना उसमें आप जो है थोड़े वार्म क्लोथ्स ऐड कर लीजिएगा। दूसरा गर्ल्स की जैसे इसमें वियर कर लीजिएगा हिजाब, वाइट हिजाब। और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या क्या गर्ल्स को और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा है कि ये आप भैया डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपने सब चीज़ देख लिया, इससे लड़कों को तो सारी चीज़ इजी हो गया होगा, आइडिया भी हो गया होगा क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पूरे साल में कवर हो जाएगा, ठीक है। बस एक जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप बाय कर लेना, ठीक है। काफ़ी बड़ी भी कर लीजिएगा और हल्की भी, मतलब हर तरीके से, क्योंकि बर्फ़ भी पड़ती है ना तो ठंडा भी होता है काफ़ी।